तो फ्रेंड्स, समुद्र शास्त्र में हमारे शरीर पर मौजूद तीन निशान या फिर नाखूनों पर दिखाने वाले सफेद निशान का काफी महत्व बताया गया है। नाखून के आकार से लेकर उन पर बनाने वाले सफेद निशान शुभ और अशुभ फल दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये सफेद धब्बे कई बार हमारे जीवन में आने वाले बदलाव के बारे में भी बताते हैं। हालांकि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार नाखूनों पर पड़ने वाले सफेद धब्बे खून की कमी भी दर्शाते हैं, लेकिन समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि ये निशान रुपए पैसे और करियर संबंधित चीजों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं नाखूनों पर इन सफेद धब्बों का क्या मतलब होता है और हमारे जीवन में उसका क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। अंगूठी पर यदि निशान हो तो इसका क्या महत्व होता है? तो दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के अंगूठे के नाखून पर सफेद निशान पाया जाता है वह इंसान बिजनेस में काफी तरक्की करता है। साथ ही जीवन में ऐसा कोई दोस्त उसे मिल जाता है जिसे लेकर वो बहुत ही गंभीर हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के नाखून पर जब निशानी होती है तो उन्हें अपने दोस्त से गिफ्ट मिलने की संभावना होती है। तो दोस्तों, यदि आपके मध्यमा उंगली पर निशान है, जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति के मध्यमा यानी बीच वाली उंगली के नाखून पर सफेद धब्बा होता है वो काफी शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को घूमने का काफी शौक होता है और वह यात्रा करके भी धन कमाता है। तो दोस्तों, हालांकि आपको अपने शत्रु से संभल कर रहना होगा। तो दोस्तों, ये बताता है एक सफेद धब्बा मध्यमा उंगली होने पर। तो आइए जानते हैं कनिष्ठा उंगली पर निशान होने का क्या महत्व है। तो दोस्तों, अगर कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के नाखून पर सफेद निशान होता है तो काफी ये सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में काफी तरक्की मिलती है और विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी सफलता मिलती है। साथ ही आपको किसी वजह से यात्रा करनी पड़ सकती है, ये आपके लिए भी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, ये होता है कनिष्ठा उंगली पर निशान होने के कारण। तो आइए जानते हैं अनामिका उंगली पर निशान होने का महत्व। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अनामिका यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली के नाखून पर अगर सफेद निशान होता है ये काफी शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको समाज या सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त होना है। मतलब ये संकेत दिखलाता है कि आपको गवर्नमेंट से कुछ पारितोषिक या शुभ कुछ होने वाला है और आपके समाज में फेमस होने वाले हैं। साथ ही ये यश और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी बनाने वाले होते हैं। अगर कोई भी पैसे की कमी हो तो वो भी आपसे दूर हो जाती है। मतलब ये जिनका भी अनामिका का उंगली पर निशान होता है वो बड़ी राजकीय नेता या समाज में बड़े पद पर जाते हैं और सरकार द्वारा इन्हें सम्मान किया जाता है। ये होता है अनामिका का उंगली पर निशान होने का महत्व। तो आइए जानते हैं दोस्तों, काले पीले और गुलाबी निशान का महत्व। तो दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस तरह सफेद निशान नाखून पर शुभ माना जाता है उसी तरह काला निशान अशुभ होता है। वही नाखूनों पर पीला निशान बीमारी का सूचित करता है। काले पीले धब्बे असफलता और स्वास्थ्य की कमी दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये सफेद निशान दिखाता है आपके सफलता असफलता फेमस होने का या आपके सम्मान का योग दिखलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें।